जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, काफी लंबे इंतजार के बाद भी अभी तक आपको एमपी पुलिस का रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। चुनाव भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं और रिजल्ट भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। इसके चलते कई सारे स्टूडेंट के डाउट है कि सर ऐसा नहीं कि अगर आगे जाके जब रिजल्ट आता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती, उसके बाद एमपी पुलिस की भर्ती होगी या नहीं। अगर कांग्रेस आती है तो भी बच्चों को डाउट है, और बीजेपी अगर सरकार आती है तो भी बच्चों को डाउट है। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी अपनी बंद कर दी है, क्योंकि हमारे ग्रुप में ही कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जब दिवाली की छुट्टी मनाने के लिए गए और अभी तक वापस नहीं आए। और सभी का एक ही कहना है, सर अगर भर्ती होती है, रिजल्ट आता है, तो उसके बाद हम वापस फिजिकल कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, ऐसा करना चाहिए या ये सही है? आपको फिजिकल अगर बंद कर दिया और आगे चल के रिजल्ट अगर आपका आता है और फिजिकल में अगर आपको कम टाइम मिलता है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? तो आज का जो वीडियो है उसी के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास में रितेश है, जो हमारा स्टूडेंट है जो फिजिकल की तैयारी करता है, बालाघाट से रहने वाला है। इनको क्या लगता है, क्या इनका सोचना है, ये कब छुट्टी मना के वापस मतलब घर से यहाँ पर आए हुए हैं? तो सारी चीज़ें पहले हम क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे की जो भी बातें वो आपसे हम शेयर करते हैं। तो रितेश भाई, क्या लगता है तेरे को, अगर भर्ती का जैसे बच्चों का सबसे बड़ा डाउट है कि सर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या कांग्रेस आ जाती है तो क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी या जो भी चीज़ है? नहीं सर, उसके चेंज गवर्नमेंट चेंज हो जाने से या फिर पुरानी गवर्नमेंट के वापस गठन हो जाने से उसका कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। उसमें जो पहले प्रक्रिया होनी थी वही होगी। बस दिक्कत वो थी सर कि समिति, कुछ लोग बोल रहे थे फालतू की हवा छोड़ देते हैं सर कि समिति का गठन नहीं हुआ, बोले भर्ती समिति आ जाती तो पहले हो जाता। तो वो तो सर डिपार्टमेंट का काम है, वो तो अपने समय पे ही करेगा। रिजल्ट को लेकर क्या लगता है? रिजल्ट को लेकर के सर जैसे ही गठन होता है गवर्नमेंट का, उसके कुछ ही दिन बाद, लगभग 8 से 10 दिन के बाद में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसा जी। तो ये जो स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी बंद कर दी, इनको क्या मतलब क्या सजेशन देना चाहेगा, क्या बोलना चाहेगा? वो तो सर ऐसा है कि रिजल्ट अगर आज भी आ जाए तो वो तैयार तो है नहीं सर। ये अगर रिजल्ट कल आ जाए तो कोई ये तो कह नहीं सकता कि मैं 80 नंबर का रिजल्ट कर ही लूंगा। और 2 महीने बाद भी रिजल्ट आएगा सर तो वो वहीं पर रहने वाला है सर। बिल्कुल। जिसको पता है कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है वो दौड़ रहा है सर, उसको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। वो जो घर में है वो घर में दौड़ रहा है, जो इंदौर में वो वहाँ दौड़ रहा है, जो जहाँ पे जिसको जैसे मिल रहा है वो दौड़ रहा है। और जिसको बहाने चाहिए वो तो सर कैसे भी करके है, उसके बाद फिर नंबर मेरे कम हो गए। कुछ तो कमेंट ऐसे भी पड़े हैं सर मैंने कि मेरे 68 है, मैं क्या करूँ जी। तो देखो, पहले भी इन पे हमने कई सारे वीडियो बनाए कि अगर आपको नंबर अच्छे हैं, आपने एग्जाम दिया है, तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, आपको फिजिकल की तैयारी बंद नहीं करना चाहिए। फिर भी आपके जो डाउट है, जैसे इसने बताया सर कई सारे बच्चे जिनको अच्छे नंबर फिर भी बोल रहे हैं सर मैं ओबीसी हूँ या एसटी हूँ, जो भी है, तो आपको तैयारी करना चाहिए, आपको तैयारी नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि रिजल्ट आपको 3 तारीख को आ रहा है, उसके बाद कभी भी आपका एमपी पुलिस का रिजल्ट भी आ सकता है, आपको फिजिकल की डेट मिल सकती है। जैसे दिवाली की जो लंबी छुट्टी हुई थी, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों का फिजिकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, तो उसको आपको तैयार करने में थोड़ा सा समय लगेगा। जब आप रनिंग में आएंगे उसके बाद फिर आपकी वापस प्रैक्टिस चालू होगी, तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है रिजल्ट के बाद आप लोग तैयारी कर लेंगे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि आपको कितना टाइम मिलता है, कब क्या जैसे भी होता है, तो उस कंडीशन में आपको प्रेशर इतना हो जाएगा कि आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे, फिर आपको कई तरह के पेन होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम दिक्कत देने वाली है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू रखना है। आप अगर ऐसा है जैसे कहीं ग्रुप आपने ज्वाइन किया था या आपने शहर सिटी से आप लोग बाहर गए थे जहाँ पर आपने एकेडमी ज्वाइन किया था, अगर आप लोग वहाँ पर नहीं जा सकते तो आप लोग अभी खुद से कंटिन्यू फिजिकल कर सकते हैं। जब आपको रिजल्ट आए उसके बाद आप लोग जहाँ भी आपको जाना है आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। बाकी फिजिकल आपको कंटिन्यू रखना है, बहुत जल्द रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और बहुत जल्द आपको जो वर्दी है उसका सपना भी आपको साकार होगा। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ये डाउट मन से हटा दीजिए कि भर्ती होगी या नहीं, भर्ती होगी 100% होगी। अब वो गवर्नमेंट कोई सी भी आए, आपकी बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, पर आपका जो भी नियम है भर्ती का, जो आपको फिजिकल में नंबर है, सारी चीज़ आपके यहाँ पर होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।